क्या है ये डीप फेक जो बड़े बड़े स्टार्स को फंसा रहा है? अपने माया जाल में रश्मिका मंदाना के बाद कैटरीना और सारा तेंदुलकर भी हुए शिकार, और कैसे सूरज की रोशनी से दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बनाना चाहता था हिटलर, और प्लेन के इंजन को चालू करते ही उसमें मुर्गा क्यों डाला जाता है? और अब ड्रोन से भी लोग कर रहे हैं चोर। मार्केट में आया नया हथियार, और क्या वाकई अंग्रेजों से आजाद होने के लिए हुए पार्ले बिस्किट की शुरुआत? जानने के लिए बने रहिए अंत तक हमारे साथ। डीप फेक, यह शब्द बीते कुछ दिनों से जरूर सुन रहे होंगे। विवाद शुरू हुआ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के वीडियो से, जिसमें वह रिवीलिंग आउटफिट पहने लिफ्ट के अंदर एंटर करती दिखाई दी। वीडियो खूब वायरल हुआ, फिर बाद में पता लगा कि यह फर्जी है। लेकिन तब तक यह मामला इतना तूल पकड़ चुका था कि खुद अमिताभ बच्चन को ट्वीट कर कानूनी एक्शन की मांग करनी पड़ी। यह रियल वीडियो था ब्रिटिश इंडियन इन्फ्लुएंसर द्वारा पटेल का, जिसे एडिट करके इसमें रश्मिका का चेहरा लगा दिया गया। इसे एआई की डीप फेक टेक्नोलॉजी से बनाया गया था, जो देखने में एकदम रियल लग रहा था। वहीं केंद्र सरकार ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस भेजकर नियमों की याद दिलाई है, जिसके तहत फेक कंटेंट 24 घंटे के अंदर अंदर हटाना होगा। वहीं मामले में 3 साल तक की जेल के साथ साथ 1 लाख का जुर्माना भी लग सकता है। क्या भारत के सबसे फेमस चाय वाले को जानते हो? कुछ लोग इसे पर तो कोई इसे नागिन डांस करने वाला व्यक्ति भी कहता है। इसने अपने लुक और चाय पिलाने की कला से सोशल मीडिया पर अच्छी पहचान बना ली है। हर 15 दिन में बालों को अपना अनोखा नया लुक देते हैं, और आंखों में स्टाइलिश गॉगल्स पहनकर लोगों को काफी फुर्ती के साथ चाय पिलाता है। चाय बनाने के बर्तन में दूध डालने की कला से लेकर चाय बनाने के बाद लोगों को फुर्ती के साथ ग्लास थमाने तक के बीच यह लोगों का मनोरंजन भी करता रहता है। अगर आप नए डिजिटल युग के आदमी हो और हर जगह पेटीएम से काम चलाते हो, तो शायद आपको वहां से बिना चाय पिए ही लौटना पड़ सकता है, क्योंकि डॉली चाय वाला सिर्फ कैश में यकीन रखता है। उसका कहना है कि अगर आपके पास कैश नहीं है तो चाय फ्री में पीकर भी जा सकते हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, यह तो सिर्फ डॉली चाय वाला और उसके नए नवेले ग्राहक ही बता सकते हैं। स्विमिंग पूल या किसी नदी में जाते ही कई लोग पेशाब कर देते हैं, लेकिन अगर आपने ऐसा दुबई के स्विमिंग पूल में किया तो सबके सामने आपकी इज्जत का फालूदा बन जाएगा। आपका पता लग जाएगा कि आपने पानी के अंदर कुछ किया है। कैसे, आइए बताते हैं। दरअसल दुबई के स्विमिंग पूल में एक ऐसा केमिकल डाला जाता है जिसके बारे में जानकर आप सपने में भी किसी भी पूल में पेशाब नहीं करेंगे। दुबई के पूल में जैसे ही आप टॉयलेट करेंगे, वैसे ही पानी का रंग बदल जाएगा और सबको आपके कारनामे के बारे में पता चल जाएगा। इसलिए गलती से भी दुबई के पूल में ऐसी वैसी हरकत मत करना। हम सब ने सुना है कि दुनिया में 7 अजूबे हैं, लेकिन क्या आपको हर अजूबे का नाम पता है? क्या आपको पता है कि उन 7 अजूबों में से भारत में कौन कौन से मौजूद हैं? अगर नहीं तो चलिए आपको बताते हैं। उनमें से पहला, चीन की दीवार। चीन की दीवार को बनाने में 2000 साल लगे थे। इस दीवार के बारे में सबसे दर्दनाक बात तो यह है कि इसे बनाने में 4 लाख मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी थी। आदमी के हाथ पैरों में 7-7 उंगलियां। देवेंद्र सुथार नाम का ये शख्स गुजरात के हिम्मत नगर में रहता है। पेशे से कारपेंटर है। जन्म से ही बॉडी टेटली नाम की बीमारी से जूझ रहे देवेंद्र का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इस बीमारी के तहत भ्रूण में 7वें-8वें हफ्ते में ज्यादा उंगलियां विकसित हो जाती हैं। उनका कहना है कि अगर वह अमीर होते तो सर्जरी करा लेते, लेकिन इसका भी उन्हें मलाल नहीं था। हालांकि अब उनकी उंगलियां उम्र के साथ साथ सख्त होती जा रही हैं, जिससे उन्हें रोजमर्रा के कामों में भी दिक्कत होने लगी है। क्या आपको पता है कि बिल्ली एक ऐसी जानवर है जो आपकी भावनाएं समझ सकती हैं? कई स्टडी में ऐसा पाया गया कि इंसान भले ही साथ छोड़ जाए, लेकिन बिल्ली एक बार आपकी जिंदगी में आ जाए तो फिर कभी आपको अकेला नहीं छोड़ती। सुख हो या दुख, वह हमेशा आपके साथ रहती है। चोरी करने के लिए लोग आजकल ऐसे ऐसे पैंतरे अपना रहे हैं जिसके बारे में आप सपने में भी नहीं सोच सकते। इन दिनों मार्केट में एक ऐसे ड्रोन की चर्चा है जिसका इस्तेमाल कर चोरों ने रोमानिया में एक घर से करोड़ों रुपए साफ कर दिए। इस ड्रोन का नाम है ऑक्टाकॉप्टर, जिससे लटककर इंसान आराम से आसमान में उड़ सकता है।
ये ड्रोन एक बार में 200 किलो तक वजन उठा सकता है और करीब 1000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नीले समंदर में रहने वाली मरीन काले रंग की क्यों होती है? उसका कलर नीला, सफेद या लाल क्यों नहीं होता? बता दें कि काला रंग सबसे ज्यादा टिकाऊ होता है और पूरी तरह रोशनी को अब्सॉर्ब कर लेता है। ऐसे में उसे समुद्र के नीचे देख पाना काफी मुश्किल हो जाता है। साथ ही जब यह मरीन ऊपर आती है तो गर्म होने की वजह से उनके ऊपर लगा नमक भी झड़ जाता है। पार्ले जी हमें बचपन की मीठी यादों में ले जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाले इस बिस्किट की शुरुआत कैसे हुई? यह कहानी उस समय की जब भारत अंग्रेजों से आजाद होने की कोशिश कर रहा था और देश में स्वदेशी मूवमेंट चरम पर था। तब मोहन दयाल चौहान ने देखा कि मार्केट में विदेशी बिस्किट मौजूद हैं जो काफी महंगे हैं। तब उन्होंने 1939 में पार्ले ग्लूको बिस्किट बनाने शुरू किए। उनकी फैक्ट्री मुंबई के विलय पार्ले में थी, जिस वजह से इस बिस्किट का नाम भी पार्ले ग्लूको रखा गया। बाद में मार्केट में ऐसे ही मिलते जुलते कई बिस्किट आने लगे। फिर अलग दिखने के लिए पार्ले बिस्किट के पैकेट पर एक छोटी सी लड़की की फोटो लगा दी गई। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें।